अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जिस दिन हम आए थे यानी फ्राइडे के दिन तो नहीं, सैटरडे का ये ब्रेकफास्ट है हमारा, बहुत मज़े का लगता है ये सारी चीज़ें, समोसा और ये है ढोकला, चाय, सब कुछ जो है ना वो हस्बैंड ने लेकर आए थे। मज़ेदार सा ये हमारा सैटरडे का ब्रेकफास्ट है। अब हम इसे इंजॉय करेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलेंगे क्योंकि ना थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी है। तो हम आए थे मनीष मार्केट। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, जब से मैं मुंबई में रहती हूँ मैं आज तक कभी नहीं गई मनीष मार्केट। और मैंने ना किसी का वीडियो देखा था, तब मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे भी यहाँ पर जाना है क्योंकि यहाँ पर ना सब कुछ मिलता है, चॉकलेट से लेकर ड्राई फ्रूट, इतनी फ्रेश चीज़ें ना मैंने मतलब कि सऊदीया वगैरह में हम देखते थे कि इतनी फ्रेश चीज़ें, चॉकलेट वही क्वालिटी की, मगर आपको यहाँ पर मुंबई में मनीष मार्केट में भी ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बहुत सारी क्वालिटी थी यहाँ पर, इंडियन चॉकलेट थी और फॉरेन की थी, चिकन था यहाँ पर, नगेट्स था, मतलब कि आप ना 1 kg, 2 kg ऐसे चिकन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ना नगेट्स है, सीख कबाब थे, फ्रोज़न थे, सारी चीज़ें फ्रोज़न थी, आप लेकर जाकर घर पर रख सकते हैं, साल भर की उसकी एक्सपायरी है और उसके मुताबिक जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए ये है ना 80 rupees में था, ये सब कुछ यहाँ पर था जो कि मैं लुलू हाइपर मार्केट में देखती थी। और वहाँ से ना कम रेंज में था मगर क्वालिटी में कोई भी डिफरेंट नहीं था, वही वाली क्वालिटी थी। तो यहाँ पर ना बच्चों ने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, बहुत ज़्यादा हमने नहीं ली क्योंकि ना मुझे यहाँ पर शॉपिंग नहीं करना था, मुझे ये मार्केट देखना था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। मैं आज से पहले कभी नहीं आई थी। ड्राई फ्रूट तो इतने फ्रेश थे और बहुत ज़्यादा जो है ना इनके प्राइस भी नहीं थे, रिजनेबल प्राइस में आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब क्या नहीं था यहाँ पर। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वहाँ से लाने से अच्छा है कि आप जो है ना वो यहीं से शॉपिंग करके अपने जो है रिश्तेदारों को या फिर जिसको भी आपको देना होता है ना आप दे सकते हैं, इतनी दूर से लाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, ड्राई फ्रूट से लेकर चॉकलेट, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है मनीष मार्केट में। ये सारे फ्रूट हैं जिन्हें ड्राई करके शुगर की कोटिंग लगाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर ना ब्रेड की बास्केट है जो कि 150 rupees की है, बहुत रिजनेबल प्राइस है। और यहाँ पर देखिए खजूरें हैं, मसाले हैं, गरम मसाला है, ड्राई फ्रूट है, मतलब कि सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक मार्केट है मगर सब कुछ मिल जाएगा। सब्ज़ी वगैरह भी है यहाँ पर, फ्रूट भी है, चिकन भी है, आप देख सकते हैं, नगेट्स है, बच्चों की बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर। किचन के भी बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पर, जैसे आप बेकिंग करते हो ना यहाँ पर, वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल रही थी। मैंने मगर अभी ना कुछ नहीं लिया, ना ही मैंने वीडियो बनाया यहाँ पर ना। जो भी हम केक में कलर यूज़ करते हैं जेल वाले, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये देख सकते हैं आप, मगर यहाँ पर 200 rupees, 100 rupees में वो मिल रहे थे। और हर कुछ एक चीज़ थी जो कि आप केक के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। मैंगो मीठा नहीं, ठंडा नहीं, स्ट्रॉबेरी लीची चलेगा, हाँ चलेगा, पाइन एप्पल कोई सा भी चलेगा, चाय जैन कौन सा लिया, मॉन्स्टर पिंक वाला ना भाई, मैंगो मैंने क्या लिया, ये क्या है जैन वहाँ पे वो डोनट डे क्या है, हमारे डॉल से क्या होगा, हाँ अच्छा केक के लिए अफरोज ली थी, आइस गोला बन रहा था, चल
उसका भूल जाना। हाँ ये रानी भी है देख रहे हैं। रानी भी है। पहली बार मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से कई लोग होंगे जो जा चुके हैं, जो नहीं गए हैं तो एक बार विजिट कीजिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।